अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे हैं जो जीआईटी पीडियाट्रिक्स है उसका आखिरी टॉपिक विच इज विल्सन्स डिजीज। आखिरी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आते हैं ज्यादातर मैं उन्हीं को कवर कराऊंगी ताकि हम इसको जल्दी कर सकें और फिर अगला स्टार्ट कर सकें। आपको बताया कि टाइम बहुत बहुत शॉर्ट है। तो ये वाले जितने आपके आते हैं ना, ये जीआईटी में से टोटल तीन चार चीजें आती हैं, बाकी नहीं करनी होती हैं आपने। मैंने आपको बताया भी था कि आप एक दफा हेपेटाइटिस जरूर देख लीजिएगा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका एडल्ट्स का हेपेटाइटिस है। लिवर सिरोसिस बच्चों में एक दफा देख लेना, होता बहुत अनकॉमन है लेकिन कभी हो सकता है आ जाए। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई चीज मतलब नहीं समझ आती ना, आप मेडिसिन में, मैंने इन सब चीजों की वीडियोज अपलोड की हुई है मेडिसिन की, जीआईटी में सिरोसिस और सब कुछ, एटलीस्ट आपको पैथोजेनेसिस समझ आते तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। मोर और लेस ट्रीटमेंट भी डोजेस को डिफर करके तकरीबन सेम ही होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए ना तो डोजेस में फर्क आ जाता है, लेकिन तकरीबन हर चीज सेम है। तो इस वजह से मैं फिर उनको नहीं करूंगी। इसमें से आती है जो आपकी डिजीज और विल्सन एक आती होती है, तो इसको टच करते हैं, देन हम न्यूरोलॉजी पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। पीड्स न्यूरोलॉजी करेंगे, पीड्स नेफ्रोलॉजी करेंगे एंड एंडोक्राइनोलॉजी, दैट्स इट, एंड देन विल डू विद वट एवर इज लेफ्ट इन ऑब्स। अच्छा, विल्सन डिजीज आपको पता है कि ये कोई कॉपर से रिलेटेड डिजीज होती है। आपको अगर याद हो तो डेफिनेटली याद होगा, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन होने लग जाती है बॉडी में, जिसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कॉपर कहाँ से आता है, कॉपर डाइट से हमारी बॉडी के अंदर जब आता है, खाने पीने में जो हम खाते हैं उसमें होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्ब जब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वहां से ये जब थोड़ा सा जैसे बता रही था कि आपको याद रहे ना चीजें, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और ब्लड में ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर या किसी और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारी उनके साथ बाइंड होकर लिवर में आ जाता है, ठीक है। लिवर में जब ये आता है तो इसको असल में ना हमने बॉडी में बहुत एक्सेस कॉपर नहीं रखना होता है, नॉर्मल अमाउंट में कॉपर रखनी होती है। तो ये एक्सेसिव जो कॉपर है ना, इसने बेसिकली जो इसका एंड होना है वो ये होना है कि बाइल में ये जाएगा और बाइल के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा इंटेस्टाइन से, ठीक है। अभी हुआ यह है कि खाना हमने खाया और खाने में कॉपर था, और वो खाने जब इंटेस्टाइन में आया तो कॉपर उनसे एब्जॉर्ब हुआ है, उसके बाद ब्लड में आया, ब्लड में ये एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के लिवर में आ गए। लिवर में अब क्या होता है कि लिवर में बहुत सारे ज़ाहिर एंजाइम्स होते हैं और ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और सब कुछ होता है, वो इसको कंबाइन करते हैं एपोसेरुलोप्लाज्मिन के साथ। एपोसेरुलोप्लाज्मिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन लिवर, ठीक है। उसके साथ कंबाइन करते हैं ना जब कॉपर, तो बन जाती है सेरुलोप्लाज्मिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन डायरेक्टली नहीं बनती, जो पहली चीज बनती है वो होती है एपोसेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। और उसके साथ जब कॉपर कंबाइन करते हैं तो सेरुलोप्लाज्मिन बन जाती है, और ये सेरुलोप्लाज्मिन निकल जाती है ब्लड में, ठीक है। अब ये ब्लड में फ्रीली मूव करती है इधर उधर, दाएं बाएं जहां इसका दिल करता है, आखिर में इसने वापस लिवर में होता है, फिर ये वापस लिवर में आ जाती है। लिवर में ये सेरुलोप्लाज्मिन जो है इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू बाइल। बाइल में जब ये जाती है तो फिर बाइल के थ्रू जब आप बताते हैं कि बाइल रिलीज होती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है दोबारा से ड्यूटिनम में, और उधर से फिर कॉपर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब आप देखें कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉपर बॉडी में ब्लड में रह भी रहा है, लेकिन जब ब्लड में इसकी ज्यादा अमाउंट होती है वो सेरुलोप्लाज्मिन की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। कॉपर हमेशा बाउंड फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो जो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड है वो वाला नहीं है, सेरुलोप्लाज्मिन वाला, ठीक है। और उसके बाद ये निकल जाता है बॉडी से। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सिलसिला खराब हो जाए, जब लिवर के अंदर कोई किसी भी जेनेटिक उसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से सिलसिला क्या खराब हो जाए कि कॉपर बाइल में ट्रांसफर नहीं हो सकता और कॉपर एपोसेरुलोप्लाज्मिन के साथ जुड़ के सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बन सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्टर में बेसिकली मसला आता है, होता यह है कि ATP7B जीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ATP7B जीन होता है, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन एंड इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 13, ठीक है। इस जीन ने बहुत सारे एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्टर्स को, बेसिकली मेनली ट्रांसपोर्टर्स को इनकोड करना होता है जो कि कॉपर की ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं। देखा ही गया है कि मैक्सिमम लोग जो विल्सन्स डिजीज के हैं उनमें ये वाला जो जीन है ये डिफेक्टिव होता है, किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब कोई एक खास डिफेक्ट नहीं आता, लेकिन कहीं पर डिफेक्टिव होता है, जहां से भी ये जीन डिफेक्टिव होता है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर खराब हो जाती है। वो ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड द लिवर, मतलब या तो कॉपर जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा बाइल में, या वो सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बना सकेगा, मोस्टली यही होता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि पहली बात तो ये कि कॉपर जब सेरुलोप्लाज्मिन बना ही नहीं सकेगा तो ब्लड में सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल बहुत लो हो जाएगा। दूसरी बात फिर क्या होगी कि कॉपर तो एक्यूमुलेट हो रहा है ना, कॉपर तो लिवर में आ रहा है सारा का सारा, और लिवर में एक्यूमुलेट हो रहा है, लिवर बेचारे को परेशानी हो रही है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ना वो इसको सेरुलोप्लाज्मिन में बना सकते हैं ना वो इसको बाइल में बेच सकते, ये दोनों रास्ते बंद हो गए हैं। लिवर के अंदर जो कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा है वो आखिरकार कॉपर जो कहते हैं उसे गुस्सा आ जाता है अभी कॉपर को कि क्या मसला, अभी मुझे कहीं भी नहीं भेज रहे, तो कॉपर क्या करता है रिजल्टेंटली लिवर डैमेज शुरू कर देता है। जब कॉपर गुस्से में आके लिवर डैमेज शुरू कर देता है तो फिर जाहिर है कि वो उस डैमेज लिवर से निकल के ब्लड में चला जाता है एज इट इज, बगैर किसी ट्रांसपोर्टर बगैर किसी चीज से कंबाइन के खुद ब खुद ही ब्लड में चला जाता है जो अनबाउंड कॉपर होता है, ठीक है।
और वो कॉपर फिर आपके जगह जगह डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कि उसने लिवर डैमेज किया, लिवर के अंदर जो वेसल्स थी उनको डैमेज किया और आरबीसीज डैमेज करते हैं, ठीक है। एक्सेसिव कॉपर जब होगा आपके ब्लड में तो वो आपके रेड ब्लड सेल्स को भी डैमेज करता है, उनके लिए डैमेजिंग होता है, तो आपके आरबीसीज का हेमोलिसिस भी करता है, ब्लड में निकल जाता है, ब्लड में जाकर ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जिसमें किडनीज है, जिसमें आईज है, जिसमें आपके ज्वाइंट्स है, बोन्स है और हार्ट है, इन सारी जगहों पर डिपॉजिट होने लग जाता है। फिर उसकी वजह से डिफरेंट किस्म की जगहों पर डिपॉजिट, इवन ब्रेन में ही तो जिससे सिम्टम्स आते हैं। तो ये कहानी है, इसमें से जो आपके आने वाले एमसीक्यू है वो ये क्रोमोसोम नंबर 13 पे जीन है, कौन सा जीन है, ATP7B जीन है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टर खराब हो रहा है, सेरेब्रोप्लाज्मिन का लेवल लो हो रहा है, ये याद रखनी है, ठीक है। एमसीक्यू में सारी बातें आती हैं। अब आप बताए कि क्लिनिकल फीचर्स बच्चे के क्या होते हैं, अब डिपेंड करते हैं डिजीज कौन सी स्टेज पे है, उस पर क्लिनिकल फीचर्स होंगे, क्योंकि लिवर डिजीज भी हो सकती है। मैंने बताया कि सबसे शुरू में लिवर डैमेज हो रहा है, उसके बाद जब जहां जहां डिपॉजिट होगा उस तरह के फीचर्स आ सकते हैं। तो लिवर डिजीज तो आपका सबसे पहला मोड ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है सबसे छोटे बच्चों में, विच कैन सिंपली प्रेजेंट एज एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जाहिर सी बात है, लिवर डैमेज जब भी होता है आपको पता है कि जिस तरह हेपेटाइटिस है ना उस तरह के फीचर आएंगे ना, जॉन्डिस हो जाएगा बच्चे को, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ALT AST रेज हो जाते हैं, बिल्कुल हेपेटाइटिस वाले फीचर्स आते हैं क्योंकि लिवर डैमेज है। तो इट कैन सिंपली प्रेजेंट एज एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फर्मनेंट हेपेटाइटिस हो जाते हैं कुछ बच्चों में, ठीक है। और जिनमें नहीं जल्दी जल्दी पता चलता उनमें सिरोसिस तक बात जा सकती है, ठीक हो गया। तो अर्ली पिक्चर हमेशा लिवर डैमेज के साथ प्रेजेंट करती है, फिर जब देर हो जाती है तो फिर आपकी जब डिपोजिशन हो जाती है डिफरेंट एरियाज में, तो देन आपके या तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे जब ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, और उसके अलावा फिर आएंगे अदर सिम्टम्स जो किसी भी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं कि बच्चों में ब्रेन डिपोजिशन के बाद एकदम से सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो कि क्या होता है कि एकदम से बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस बहुत लो होने लग जाती है और वो बिहेवियरल अजीब हरकतें करता है। डिपेंड करता है ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, अगर उसका ये वाला मेंटेशन वाला और समझबूझ वाला एरिया खराब होता है तो उसका बिहेवियरल एबनॉर्मैलिटीज आती है, अगर उसका कोई मोटर या सेंसरी एरिया खराब होता है तो उस मोटर या सेंसरी एरिया के डिफिसिट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार नर्व पाल्सीज हो जाती है, तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा और आपका आंख से आंसू बच्चे गिरता रहता है, अगर फेशियल नर्व पाल्सी हो जाती है, अगर उसका सेरेबेलम डैमेज हो जाता है तो उसकी गेट एबनॉर्मैलिटीज आ जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा बच्चे के, मैंने आपको बताया कि अगर आंखों में, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आंखों में डिपॉजिट हो जाएगा तो स्पेशल किस्म के रिंग्स आपको आंखों में मिल देते हैं, उन्हें केफ रिंग्स कहते हैं। जब किडनी में डिपॉजिट होगा तो इट कैन कॉज फैनकोनी की तरह का एक सिंड्रोम होता है, वो कर सकता है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसके आते हैं, हम डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आपके पास एक एक्यूट हेपेटाइटिस का इस तरह का बच्चा आता है जो साथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी हैं और आप सस्पेक्ट करते हैं, मतलब आपने सिंपल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को जाहिर अपने डिफरेंशियल्स में रखना होता है, लेकिन आप फिर उसको किस चीजों के लिए चेक करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि ये कॉपर की वजह से विल्सन्स नहीं है। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है उसका तो बहुत ही एक्यूट ऑनसेट होता है, जो हेपेटाइटिस ए है जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है वो तो होगा कि एकदम से ना, मतलब तो दो दिन से मां के कि एकदम से बहुत पीला पड़ गया है और इसको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं और इसका ना मतलब ये कंप्लेन्स होती हैं उसकी मां की, और आप देखते हैं तो आपको भी उसके आप कंफर्म के लिए करने के लिए LFTs करा लेते हैं और आपको ALT AST रेज मिलती है, तो सिंपली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस आप कर देते हैं। इसका थोड़ा सा ना प्रोलॉन्ग ऑनसेट होता है क्योंकि कॉपर ने आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होना है ना, तो तब तक वो आपको बताएगी माँ कि भाई इसको ऐसे पीला ऐसा ऐसा लगने लगा था मुझे, अब बहुत ज्यादा लगता है और इसके साथ ना ये थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अब सही से पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है, ऐसी भी सिम्टम्स आ गई थी, मतलब पढ़ाई में कमजोर हो गया और इस किस्म की बातें करती है। तो आप अगर नोट करेंगे आपने देखने हैं केसर फ्लेशर रिंग्स, केसर फ्लेशर रिंग्स होता ये है कि ये जो आपका कॉपर एक्सेसिव है ना, ये एक्सेसिव कॉपर जाता है और ये जाकर आपके जो आयरिस और कॉर्निया का जंक्शन होता है वहां पर डिपॉजिट होने लग जाता है। आपको पता है ना कि आंख में आपको आईबॉल नजर आ रहा होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, और इसके ऊपर जो सारी लेयर होती है पतली सी वो कॉर्निया होती है और यहाँ पर पीछे आपको सारा जो कलर आ रहा होता है वो आयरिस का होता है, ठीक है। तो अगर आप साइड व्यू से देखें तो ऐसे आंख है और यहाँ पर आपका आयरिस है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो आयरिस और कॉर्निया का जंक्शन है ना, यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाता है सारा का सारा ये एक्सेसिव कॉपर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी डिपोजिशन की वजह से पूरा रिंग बन जाता है आंख में, जिसको कहते हैं केसर फ्लेशर रिंग। तो वो केसर फ्लेशर रिंग आपने देखना होता है, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लिवर के फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेंगे उनमें भी 50% बच्चों में ये प्रेजेंट होता है, और जो अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं बच्चे तो उनमें तो 90% बच्चों में आपको KF रिंग पॉजिटिव मिल जाता है। तो आप फिर हिपेटिक इनकेफलोपैथी ड्यू टू एनी अदर रीजन नहीं सोचते, फिर आपको जहन में आ जाता है कि ये विल्सन हो सकती है बच्चों में, तो आपने लाजमी ये सोचना है, लाजमी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, सीरम के सेरेब्रोप्लाज्मिन लेवल्स कराए। मैंने भी आपको बताया था कि सेरेब्रोप्लाज्मिन नहीं बन रहा होता तो सीरम में उनका लेवल बहुत लो हो जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर आप कराएं कि यूरिनरी कॉपर लेवल्स, अब देखिए कॉपर फ्री फॉर्म में है
अब पहले कॉपर ने यूरिन से नहीं निकलना था, अब वो तो कॉपर के निकलने का रास्ता था आपका स्टूल वाला रास्ता, लार्ज गट वाला रास्ता। तो अब क्या हो रहा है कि एक्सेसिव कॉपर है तो वो कॉपर यूरिन से ही निकलेगा, तो आप कॉपर लेवल यूरिन में चेक करते हैं, वो आपका आ जाता है नॉर्मल से ज्यादा, विच इज मतलब 24 आवर्स आप यूरिनरी कॉपर का सैम्पलिंग करते हैं, एक पूरे 24 घंटे का यूरिन चेक कर लेते हैं और उसमें चेक करते हैं, तो वो मोर देन 100 मिलीग्राम होता है, ठीक है, विच इज नॉट नॉर्मल। 100 मिलीग्राम से ज्यादा कॉपर होना 24 घंटे में यूरिन में नॉट नॉर्मल होता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप देते हैं चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कि इस एक्सेसिव चीज के साथ कंबाइन करेगा और इसको यूरिन में एक्सक्रीट करवा देगा। तो आप देते हैं एक दफा, तो आपने 24 आवर्स का यूरिन दिया और उसमें कॉपर चेक किया, आपको ज्यादा मिल गया, आपने सोचा कि ये हो सकता है विल्सन हो, फिर आप कहते हैं कि मैं पेनिसिलामीन देख के देता हूँ। पेनिसिलामीन इज अ कॉपर चिलेटिंग एजेंट, ये आपने नहीं भूलना, ये आपको सारी जिंदगी हर जगह आएगा, ठीक है। पेनिसिलामीन आप देते हैं उस बच्चे को 24 आवर्स में दो दफा, एक दफा आप शुरू में देते हैं, एक दफा 12 घंटे बाद देते हैं, और उसका भी फिर 24 आवर्स का आप लेते हैं, मतलब उसी तरह से यूरिन कलेक्ट करते रहते हैं उस दौरान, मतलब आपने अभी दिया है सपोज कॉपर, 12 घंटे बाद फिर दिया और आपने यूरिन को मुसलसल कलेक्ट किया है, ठीक है। जब आप 24 आवर्स बाद देखते हैं तो यू विल सी कि अब जो कॉपर आया है यूरिन में वो पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि पेनिसिलामीन वाज अ चिलेटिंग एजेंट जिसने एक्सेसिव कॉपर के साथ बाइंड किया था और उसको यूरिन में एक्सक्रीट कराना शुरू कर दिया। तो अब जो आएगा यूरिन में कॉपर वो 1000 मिलीग्राम्स आएगा एक दिन में पर 24 आवर्स, या इससे भी ज्यादा आएगा। तो ये चीज आपके विल्सन डिजीज को 100% कंफर्म कर देती है, ठीक है, इसमें फिर कोई शक नहीं रहता। अगर आपने बहुत ज्यादा देखना है, मतलब बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए, तो फिर तो आपकी लिवर बायोप्सी होती है, लेकिन लिवर बायोप्सी इतनी ज्यादा इंडिकेटेड नहीं होती, आप बाकी टेस्ट से ही, मतलब आप इससे कर लेते हो, बिकॉज लिवर बायोप्सी इज नॉट सिंपल, इट इज क्वाइट इनवेसिव टेस्ट, इस वजह से आप जल्दी नहीं करते होते बायोप्सी में। तो ये ना फिर आप लिवर का बाकायदा पोर्शन लेके उसमें देख लेंगे कितना कॉपर है, कितना सेरेब्रोप्लाज्मिन है, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और इन बच्चों में मैंने आपको बताया कि आरबीसी डैमेज हो रहे होते हैं, तो हिमोलिटिक एनीमिया तो होता ही होता है, जब जब आपके आरबीसी टूटेंगे एनीमिया होगा और हिमोलिसिस की वजह से आपका जॉन्डिस भी हो जाता है, जिससे मैंने बताया था कि इंक्रीज बिलिरुबिन हो जाता है। तो हिमोलिटिक एनीमिया होगा लेकिन कूम्स नेगेटिव होगा। कूम्स नेगेटिव का मतलब यह है कि जब आप कूम्स टेस्ट करते हैं ना, वो डिटेक्ट करने के लिए करते हैं कोई भी एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि हिमोलिसिस कर रही है। तो अब आपका इस केस में एंटीबॉडी तो कोई भी नहीं है, इस केस में तो कॉपर हिमोलिसिस कर रहा है ना, तो इस केस में क्या होता है कि कूम्स टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं डिटेक्ट होती, लेकिन फिर भी हिमोलिटिक एनीमिया होता है, क्योंकि हिमोलिटिक एनीमिया जब भी होते हैं तो हम कुछ मेजर सी बातें सोचते हैं ना, हम सोचते हैं सिकल सेल डिजीज होगी या कोई और ब्लड का डिसऑर्डर होगा, फिर हम सोचते हैं कोई इन्फेक्शन हो सकता है मलेरिया और इस किस्म का, फिर एंड में हम सोचते हैं कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। जब हम इन्फेक्शन को और बाकी जो मेन मेन चीजें उनको रूल आउट कर लिया होता है तो फिर हम कूम्स टेस्ट करते हैं, लेकिन जब हमें कोई एंटीबॉडी भी नहीं मिलती तो फिर इसका मतलब होता है कूम्स नेगेटिव, हिमोलिटिक एनीमिया विच इज इंडिकेटिव ऑफ विल्सन डिजीज। इसके ना आपने डिफरेंशियल्स याद रखने, ये भूलना नहीं आपने, क्योंकि इसके ना आपका सिनेरियो जो आता है उसके बाद वो आपसे डिफरेंशियल्स भी पूछते हैं। तो जाहिर है मैंने जिस तरह आपको बताया कि बच्चा सबसे कॉमनली आपके पास हेपेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो आप सिंपली डिफरेंशियल्स में रखते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, फिर उसके बाद जो आपका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वो भी बच्चों में हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट करती है। आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि नहीं होता, जिसकी वजह से आपका लिवर की मजीद एबनॉर्मैलिटी होती है, मतलब ये भी आपने पढ़ी हुई है सारी बातें। बच्चों में सिरोसिस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है, मतलब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये तो आपने खुद ही बनाया था, लेकिन ये 4-5 याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले बच्चे को मना करना है कि कॉपर जिस चीजों में ज्यादा है वो नहीं खानी, और वो क्या चीजें हैं, चॉकलेट्स, सबसे पहले बच्चों को बहुत पसंद होती है चॉकलेट्स, नहीं खानी, नट्स नहीं खाने, ठीक है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो जरा मना कर देने, क्योंकि उनमें कॉपर ज्यादा होता है, ये बिल्कुल वो छोड़ देगा, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम इसकी जीन्स को तो ठीक नहीं कर सकते, हम उसको सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जाहिर है अब इस बच्चे को हम, मैंने बताया जिस तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, तो लाइफ लॉन्ग आपने ये पेनिसिलामीन से चिलेशन देनी होती है, क्योंकि उसका कॉपर जितना भी एक्सेसिव है उसको पेनिसिलामीन बाइंड करेगा और एक्सक्रीट करेगा, यही हमारे लिए जरूरी होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो हर रोज की इसकी डोज होती है 20 मिलीग्राम पर केजी की, हर रोज की डोज होती है, ठीक है, मतलब पर डे की डोज है। तो ये आप बच्चे को देते हैं ताकि उसका जो कॉपर एक्सेसिव वो निकल जाए। अगर पेनिसिलामीन नहीं तो ट्राइएंटीन एक और होता है आपके पास जो चिलेटिंग एजेंट है वो दे देते हैं। उसके साथ साथ आपने कोई ऐसी चीज, ये तो आपने दे दिया ना जो कॉपर ब्लड में है उसको निकालने के लिए, फिर आपको ऐसी चीज भी साथ देते हैं जो कि कॉपर की एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, तो जिंक एसिटेट, ये नाम दूसरा आपने याद रखना, एक पेनिसिलामीन एक जिंक एसिटेट, ये कॉपर की एब्जॉर्प्शन को कम करता है फ्रॉम इंटेस्टिन, तो इस वजह से आप ये भी देते हैं 50 मिलीग्राम ओरली, ठीक है, ओरल डोज में आप दे देते हैं 3 दफा दिन में, तो ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है, जिंक एसिडेट। उसके अलावा फिर अब आपने पेनिसिलामीन जब देनी होती है ना ज्यादा अमाउंट में, तो आप हमेशा साथ विटामिन बी6 जरूर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से विटामिन बी6 की कमी हो जाती है, तो ये आप उसके लिए दे देते हैं।
और जिन बच्चों का बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, लिवर बहुत डैमेज होता है, तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है। ठीक है जी, तो ये इसका टोटल बात है। इसमें आपने पेनिसिलिन अर्जिनिक एसिटेट जरूर याद रखने की, कोई मसला अभी तक के नाज में। थैंक यू।